पहला दुर्ग कौन सा था? कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? किस पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला बनाया किसने था? किसने बनाया था? चित्रांगद कितने शाक्य हुए? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले शाक्य में आक्रमणकारी, दूसरे में आक्रमणकारी, तीसरे में, पहले में जोहर कौन थी? दूसरे में जोहर कौन? तीसरे में जोहर। जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां वर्तमान में किस किले में है? किस किले में है? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह दुर्ग बताओ जिसमें नीचे से ऊपर देखने पर सर पर की पगड़ी, कौन सा, किस अभ्यारण्य में, किसने बनवाया था, किसकी याद में, उस दुर्ग का शिल्पी कौन था, इसकी दीवार का परकोटा, कितने घोड़े दौड़ सकते हैं, कितने घोड़े, कितने घोड़े, तीन से चार घोड़े दौड़ सकते हैं, कितने घोड़े। आपसे पूछा जाए कि ऊपर से जो ऊपरी भूभाग है उसका उसको क्या कहते हैं? कटारगढ़। कटारगढ़ को किस नाम से जानते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ में कौन सा महल बना है? बादल महल में कौन सी कचहरी है? कौन सी कचहरी है? वहां पर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का क्या कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध में किसको हराया था? अपने ये मानते हैं और मान सिंह मानते हैं हमने हराया था। आपको याद करना है कि आमेर का दुर्ग है उसके पास कौन सी झील है? कौन सी? मुझे तीन जल दुर्गों के नाम बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? आप मुझे ये बताएं कि एकमात्र ऐसा दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना है कौन सा, किस जिले में आता है, ये किसने बनवाया था, किसने? हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना कहाँ बनी थी? सैनिकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया गया था? तिलक की आकृति का जिला। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को कितने हजार का मनसब किसके द्वारा दिया गया? अकबर ने क्या कहकर बुलाया था? फर्जंद का मतलब क्या होता है? क्या होता है? चलो आप मुझे ये बता दें वो कितनी कला लेकर आया था? एक का नाम, दूसरे का नाम। चलो आप ये बता दो किस देवी की मूर्ति लाया? आमेर शासक जो थे उनकी कुल देवी कौन सी है? जमवाय माता। और आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी। आप मुझे बताएं विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कौन सा है? किसने कहा था? किसने कहा था? कुंभा का जो कुंभा के महल किस दुर्ग में बने? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बने? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ बना है? आपसे प्रश्न पूछा जाए पद्मिनी महल कहाँ पर है? पद्मिनी पैलेस जिसको बोलते हैं कहाँ पर है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला आवासीय किला किसने बनाया था? है? अच्छा, ये किला मेवाड़ के किस राजा ने जीता था? किसने? बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या नाम था? बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग किस प्रशस्ति में? इसमें। चलो आप मुझे ये बताएं कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किस मछली की आकृति का है? किस पठार पर बना है? किस पठार पर? चलो किन दो नदियों के संगम पर है? गंभीरी और है। चलो मुझे ये बताओ कि राजस्थान में पूर्वी दिशा का अच्छा किला कौन सा, किस जिले में है, वहां पर कौन सा मंदिर बना है, उस मंदिर में कौन रहता है, तो कौन सा महल, क्या खाता है, तो कौन सा महल, किस महल में रहता है, तो कौन सा महल, और न्याय करता है तो न्याय की। चलो आप मुझे बताओ कि वहां का एक नंबर का राजा कौन था? अमीर देव चौहान ने कुल कितने युद्ध लड़े, कितने जीते, कितने हारा? पहला जो हारा था वो किस तारीख को हारा था? राजस्थान का पहला क्या हुआ था? आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई का नाम क्या नाम था? उसके बॉयफ्रेंड का नाम, शरण किसने दी थी? किसने दी थी? अमीर देव चौहान ने। अमीर देव चौहान ने शरण दी थी। ठीक है,